लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली या इंडक्टर ओनली भी। हमारे पास एक इंडक्टर होगा, व्हाट इज इंडक्टर भी क्लास, एक कॉइल, जस्ट एक कॉइल, ओके, इन हेलिकल फॉर्म भी। चेक करेंगे इस कॉइल का रोल क्या है एसी के लिए भी। इट इज एसी सोर्स, इंडक्टर ले लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन की तरह कॉइल डाला था, याद है कि नहीं है? Yes. तो लिख लीजिए वी हैव ए इंडक्टर, वी हैव ए इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल, हैविंग इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड विद ए एसी सोर्स, इज कनेक्टेड विद ए एसी सोर्स। ठीक है, देखो तरीका सेम रखिएगा अभी, हर देखिए नेक्स्ट तीन टॉपिक और आएंगे इसमें इस तरह के। जब भी हम करेंगे एक चीज़ लेंगे, हम शुरू का करेंगे ईएमएफ से, एंड कहाँ पे करेंगे करंट के ऊपर में। ठीक है, जब हमने इंडक्टर को पढ़ा था पहली बार भी, अगर आपको याद हो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने सेल्फ इंडक्टेंस किया था, सेल्फ, ठीक है, उसमें क्या था भाई, एक तो फार्मूला इंडक्टर का पहले आया था, फाइव इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एल पहली बार यूज किया गया था भी, और एक में आता इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी भी, यस और नो? शुरुआत तो वहीं से करनी है आपको कि आपका ईएमएफ लेके चलना है आपको भी। लिख लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इसका कोई रोल नहीं डायग्राम का भी, मैं बना रखा मैंने, बना लीजिए बताने के लिए, इट है ओनली, इसको इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं क्लास, ये आ सकता है, नॉन इंडक्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट्स, बताऊंगा मीनिंग क्या चीज़ों का। हो गया, डायग्राम बना लिया। देखिए शुरुआत हम किससे करेंगे, ईएमएफ से भी, लिख लीजिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या एसी ईएमएफ लिख दो, क्या होता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सही लिखा है, इज इक्वल टू ई नॉट ए साइन ओमेगा टी। जब हम लोगों ने इंडक्टर को पहली बार पढ़ा था वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली गई थी, वही तो एसी होता है, यस और नो? कुछ याद है रिलेशन, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस कैसे वो करता है सिर्फ, ये हमेशा पोस्ट करता है, तो जरूरत नहीं लगाने की उस चीज को, बराबर कर लोगे, क्या मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये पहले प्रूव कर चुके हम लोग बाई यूजिंग फेरेडेला भी, यस सर नो? देखो हमने को सारा काम किसके लिए करना है, करंट के लिए करना है, यहाँ पर करंट आ रहा है भाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आई, इट इज ई बाई एल डी टी, ई बाई एल ए डी टी, यस सर नो? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, हमको तो पूरा चाहिए अभी करंट, डी आई तो नहीं चाहिए, तो क्या कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। डी आई इज इक्वल टू कितना है ई का वैल्यू भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल, सही लिखा है, लिख लीजिए, मेरे को स्मॉल करंट नहीं चाहिए अभी, पूरा करंट चाहिए, लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोई लिमिट वगैरह यूज नहीं करना, क्योंकि कोई साइकिल्स वगैरह के लिए नहीं कर रहे हम लोग, हम सिर्फ निकाल रहे हैं ईएमएफ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, करंट के अंदर भी कर लोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, यस और नो? कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लीजिएगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल, सही लिखा है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, यस और नो? लिमिट वगैरह कुछ है नहीं, जो ये चीजें करने की, इसको ब्रैकेट बना लीजिए, कर लोगे, तो इसका आंसर कितना आया, आई का भी, आई का आंसर हुआ माइनस, माइनस आया ना साथ में, ई नॉट एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्या मैंने सही लिखा है? देखो मैंने शुरुआत किससे किया, ई से शुरुआत किया, मैंने करंट प्रूव कर दिया अभी, लेकिन जो करंट प्रूव किया है मेरे करंट से मैच तो नहीं कर रहा है इसका आंसर से, हम तो कह लेते हैं करंट को इन टर्म ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, इसमें साइन यूज किया, इसमें कॉस आ गया भाई,
इसमें प्लस का इसमें माइनस का आ गया, तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, माइनस को प्लस बदलना पड़ेगा, कॉस को साइन बदलना पड़ेगा। यस और नो? कर पा रहे हो? तो पहले बताइएगा, पहले कॉस को साइन बदलिएगा। कैसे बदलेगा? कॉस बदलता कब है? 90 पे और 270 पे भी। यस और नो? तो कैसे करोगे बताओ? इसको रब कर दें, ये वाला हो गया। चलो इसको ले देते हैं एक बार। आई इज इक्वल टू बी, अभी माइनस ले यहीं पर रहने देते हैं, ई नॉट एल ओमेगा। इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, जो ई नॉट बाई एल ओमेगा, यही है साइन। क्या साइन के अंदर माना जा सकता है? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है भाई। पता है इस बात का? एक फॉर्मूला ये भी बनता है, तो जिनको पता नहीं लिखते चले जाओ साइड में, फॉर्मूले याद रहेंगे। कर लोगे? तो माइनस अंदर ले जा सकते हैं साइन के। यस और नो? तो कितना वैल्यू होगा? ओमेगा टी प्लस का हो गया, पाई बाई टू माइनस का हो गया भाई, सही है। मैंने पहले वाला प्लस क्यों नहीं यूज़ किया? इमेजिन करो मैं प्लस यूज करता हूँ, माइनस अंदर ले जाता तो दोनों माइनस के हो जाते भी। यस सर नो? ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा? टू पाई बाई टी। टू पाई तो प्लस का है और टाइम हमेशा प्लस का होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव है, याद रखिए इस बात को, इसलिए मैंने माइनस यूज नहीं किया उसके लिए। अगर मैं दोनों प्लस के लेता ना तो उनमें पक्का ओमेगा टी की वैल्यू होती, माइनस की होती। टाइम और फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिए इस बात को। यस और नो? इसी वजह से मैंने क्या यूज़ किया उसके लिए? माइनस यूज किया, नहीं कि प्लस का, मेरी मर्जी थी वहाँ पे यूज कौन सा करूँगा। कर पाओगे? हो जाएगा, समझ में आया? अब देखो भाई, क्या कुछ मैच कर रहा है? साइन तो आ गया, माइनस भी कराया, फर्क क्या करा गया? सिर्फ आई नोट करा गया, तो ये हो सकता है या आई नोट हो। यस और नो? हाँ, मैं बोला कि फेज डिफरेंस हो सकता है भाई, मैं बोला कि फेज डिफरेंस पे करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट चलेगा उसमें भी चलेगा करंट। आई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर आई नॉट इज क्या हो गया? ई नॉट बाई एल ओमेगा। आई नॉट क्या है? इसको मानना पड़ा मेरे को पीक वैल्यू कंपेयर करवाने के लिए साइन के साथ। आई नॉट की कमी तो बच रही है। यस और नो? ये आई नॉट मान लिया मैंने, किसको मान लिया? ई नॉट बाई एल ओमेगा। यस और नो? अब मेरी दोनों रिलेशन आ गई, आई भी आ गया और मेरा ई भी आ गया भाई। अब मेरे को बता दो जल्दी से, ई और आई में फर्क क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस का फर्क आ रहा है, पाई बाई टू का। यस और नो? पाई बाई टू का डिफरेंस है। तो इसको बात को बताओ आप लोग, कैसे बताओगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है? फेज डिफरेंस पाई बाई टू। रब कर दें, करंट इज लैग बिहाइंड टू ईएमएफ बाय पाई बाय टू। करंट ईएमएफ से पीछे चल रहा है कितना? पाई बाय टू। उल्टा बोल सकता हूं, ईएमएफ आगे चल रही है करंट से पाई बाय टू। कोई आपको बोल दे तू मेरे पीछे चल रहा है, ये तो बोल सकता तू मेरे आगे चल रहा हो भाई, दिस इज पॉसिबल। दोनों तरीके से लिखवाएंगे आपको, लिखा जाएगा करंट इज लैग बिहाइंड टू ईएमएफ बाय पाई बाय टू, या फिर बोलेंगे ईएमएफ लीड द करंट बाई पाई बाई टू। यस सर नो? ये लैंग्वेज यूज होगी डायग्राम बनाने में भी, जो हम वेव डायग्राम बनाएंगे ना तो पता लगेगा आपको कि एक्चुअल में करंट कहाँ शुरू हो रहा है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिख लीजिए इसको एक बार, लिखिए करंट इज लैग बिहाइंड टू ईएमएफ, करंट इज लैग बिहाइंड टू ईएमएफ, lag behind to EMF by pi by 2, current is lag behind to EMF by pi by 2। एक तो ये हो गया लैंग्वेज, ये और लिखिए एक पॉइंट डाल के, और डालो डालो, कोई एक लिखना आपको इनमें से, इन दोनों को बड़े पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। लिख लीजिए EMF lead the current by pi by 2, EMF lead the current by pi by 2, कि जो आपकी ईएमएफ करंट को लीड कर रही है आगे चल रही है उससे कितना चल रही है भाई? पाई बाई टू। यहां तक कोई दिक्कत आवे किसी को? नो सर। बता दो नो सर। क्या आप इसका वेव डायग्राम बना सकते हो? देख लीजिए वेव डायग्राम, मैं बोला था आपको दो डायग्राम बनाएंगे, एक वेव डायग्राम एक फेजर डायग्राम।
इसका वेव डायग्राम बनाना है अभी आपको क्लास। कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से मेरे को। पहले तो ईएमएफ को दिखाते हैं हम लोग। ये ईएमएफ है अभी, ये पीक वैल्यू इट इज ई नोट भी, ये सर नो, ये पीक वैल्यू इट इज ई नोट, सही लिखा मैंने, इट रिप्रेजेंट द ईएमएफ। अगर ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो करंट कहाँ पे है? हैं, कम है, कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं? ये ऊपर वाला लीड करने के लिए होता है, नीचे वाला लेग बिहाइंड के लिए। मान लीजिए कर लोगे तो करंट कहीं पे यहीं पे है अभी, यस और नो? यहाँ से नहीं है, दोनों जीरो नहीं है, दोनों डिफरेंस है कितना, पाई बाई टू का। कर लोगे? अगर एक जीरो है दूसरा किस पे है, 90 पे जाके अभी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कितना पाई बाई टू का क्या है डिफरेंस उनके बीच में भी, यस और नो? तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये? करंट को। ये लाइन काट दो बीच वाली, ये डिस्टर्ब करेगी आपको नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी वेव बनना है, वेव तो बनना ही है क्योंकि इसमें ये साइन वेव है, वो अलग बात है। क्या है, ईएम से पीछे चल रही है, कितनी पीछे चल रही है, पाई बाई टू। ये क्या होगा भाई, आई नोट, ये कितना होगा, आई नोट। आपको ये पता ना दोनों का वैल्यू डिफरेंस होता है, आई नोट की और ई नोट की वैल्यू में। बड़ा कौन सा मानते हैं, ई नोट मानते हैं क्योंकि बना उससे है अभी। कर लोगे जब भी ग्राफ बनाओ ना, थोड़ा सा कम दिखाना इसको भी, ई नोट से भी ग्राफ बनाते हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? तो ये जो डिफरेंस दिख रहा ना आपको, ये वाला डिफरेंस एक्चुअली यहाँ पे होता ग्राफ, ऐसे बनता ही है। चलो कोई नहीं, दिखता है, इट इज पाई बाई टू डिफरेंस, हो जाएगा। कर पाओगे? व्हाट इज द फेजर डायग्राम भी, लेकिन नेक्स्ट इसका फेजर डायग्राम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो भाई, ये वाला दिस द फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने आई नोट माना होता, हो जाएगा। फेजर डायग्राम किसके लिए बनाया था मैंने, किसी भी स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के अंदर भी, यस और नो? तो फेजर डायग्राम बनाइएगा, देखो कैसे बनाना है। पहले रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ईएमएफ को, ये हो गया इट इज ई, ये इसका पीक वैल्यू है। बुक वाला ऐसे लिखता भी क्लास, ये इसको ई लिखता है, ये इसको ई नोट लिखता है, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। ये किसका दिखाता है, ये इसकी पीक वैल्यू है अभी, कितने एंगल पे, ओमेगा टी, कितने वैल्यू पे, ओमेगा टी लिखा था ना, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और करंट इसके लैग भी एंड अभी कितना, पाई बाई टू, किससे पाई बाई टू, ईएमएफ से पाई बाई टू। तो यहाँ पे नीचे होगा भाई, ये जो डिफरेंस है ना एंगल का डिफरेंस, ये कितना है, इट इज पाई बाई टू। यहाँ पे क्या होगा, करंट, ये क्या होगा इसका पीक वैल्यू, इट इज आई नॉट। ओके, डायग्राम को इतना ही बनाना है। एक्चुअल डायग्राम क्या होता है इसका, ये होता है, ये ईएमएफ का, ये किसका, करंट का, ये दिखाता है ऐसे भी और ये दिखाता है ऐसे भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऐसे घूमते हैं, एक ऊपर घूमता है ऐसे कौन फॉर्म में, एक नीचे घूमता है ऐसे कौन फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट द फेजर, ठीक है? फेजर डायग्राम क्या होता है, किसी भी स्केलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किस में, वैक्टर के अंदर भी, हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम क्लास? बना पाओगे? ये जो एंगल डिफरेंस है ना, कितना ये, इट इज पाई बाई टू, सही है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस ये हो गया, दोनों डायग्राम कंप्लीट भाई। अब मेन चीज़ है भाई, रोल देखते हैं, एसी में रोल क्या है, डीसी में रोल क्या है। फर्स्ट इक्वेशन, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट था बाई एल ओमेगा भाई, यही था। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट एल ओमेगा, कर लोगे? ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं ईएमएफ उसकी से, ओम्स लॉ से भी। देखिए कंपेयर विद ओम्स लॉ भी, कंपेयर विद ओम्स लॉ, अगर इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, ये करंट है, ये क्या है, करंट, करंट होता ना किसके बराबर भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस,
यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes. क्योंकि ये डीसी के लिए, ये एसी के लिए है। देख तो लें क्या आंसर आ रहा है। yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes. अरे जिसको नहीं आ रहा जाग जाओ भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आई बात है? yes. अब देखिए करंट है, करंट है भाई, ईएमएफ है, ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ही होता है। yes. एक मैक्सिमम एक मिनिमम क्या फर्क पड़ता है उसे? है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही। yes, तो ये रेजिस्टेंस ही होना चाहिए अभी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस हमारे यहाँ कहीं डिवाइस भी है, सबसे पहले वाला रेजिस्टेंस, उसको हम रेजिस्टेंस तो नाम नहीं दे सकते उसको। डिवाइस बना लिया हम लोगों ने, एक रेजिस्टेंस डिवाइस है मेरा, ठीक है। yes. कर लोगे? yes. इसका कुछ नाम देना पड़ेगा भाई। yes. तो क्या नाम देंगे? तो एल ओमेगा क्या है अभी? ये एक्स एल है अभी। एल ओमेगा क्या है? एक्स एल। लिख लीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस भी, नया वर्ड है। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। CATIV इंडक्टिव, CATIV इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, पता है मेरे को ये चीज रेजिस्टेंस है, बट बोल नहीं सकते क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हमारा एक डिवाइस है। कर लोगे? yes. अब लिख दो एक्सएल क्या है। ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कौन सी कॉइल? इंडक्टेंस। लिख दो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस थी यस और नो? एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टेंस ऑफ ए इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सएल कोई चीज अलग नहीं है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या इसकी भी ओम है भाई। यस सर ना, बस नाम बदल रखा, क्यों? रेजिस्टेंस मेरा एक डिवाइस है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी नहीं है। कर लोगे? समझ में आ रहा है? तो नाम क्या दे दिया मैंने इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं भाई। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड ए इंडक्टिव सर्किट। और रेजिस्टेंस वाले को नॉन इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तक रोल साबित नहीं हुआ, अभी रोल क्या है इस चीज का भी? एक्सएल क्या है? एल ओमेगा भी। कर लोगे? यहाँ पे मैंने किसको माना है? एक्सएल, एल ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? 2πμL लिख सकता हूँ फ्रिक्वेंसी टर्म में, ओमेगा को 2πμ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सएल भी। ओमेगा क्या होता है? 2πμL। अब प्रॉब्लम हमें एसी चेक करना है, डीसी चेक करना है, ठीक है। अगर मैं डीसी की बात करता हूं भी, लेकिन 4DC डीसी की फ्रीक्वेंसी कितने होती है? जीरो, सही है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है डीसी का? जीरो। अगर डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो एक्सएल कितना होगा? जीरो। एक्सएल कितना होगा? जीरो। मतलब डीसी के लिए रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। मतलब दिस डिवाइस अलाउ टू पास डीसी भी, डीसी को पास करने दे रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से डीसी के आगे निकल जाइए, इस डिवाइस से पास कर जा रही है, हो जाएगा। एसी की बात करते हैं, हेल्प करते हैं। 4AC हमारे यहाँ पे एसी की फ्रीक्वेंसी 50 Hz होती है, जो कि मैक्सिमम मानते हैं हम लोग, मैक्सिमम होती है हमारे यहाँ पे तो 50 Hz भी। कर लोगे? अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो पक्की बात एक्सएल भी मैक्सिमम होगा अभी। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। एसी के लिए इट ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी, तो एसी को ब्लॉक कर दे उसी टाइम भी। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लीजिए इट ब्लॉक एसी भी। किसको ब्लॉक कर रहा है ये? एसी को। इट ब्लॉक एसी एंड अलाउ टू पास डीसी भी। अलाउ टू पास डीसी। समझ में आ रहा है डीसी डिवाइस का रोल क्या है एसी डीसी के लिए? एसी को ब्लॉक कर देता है अभी और डीसी को पास करने देता है। यस और नो? अब इमेजिन कर पा रहे हो मेरे पास ऐसा करंट आज में मिक्सिंग हो एसी और डीसी की, इसको लगा दो फिल्टर कर देगा उसी टाइम पे, एसी को अलग कर देगा डीसी को अलग कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इट इज़ ए फिल्टर सर्किट एक्चुअल में।
इट इज इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स। मैं नेक्स्ट टॉपिक है क्लास एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली या कैपेसिटर ओनली, भी चॉइस आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटेंस ओनली या कैपेसिटर ओनली, लिख लीजिए। वी हैव ए कैपेसिटर, वी हैव ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, वी हैव ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड विद एसी सोर्स, वी कनेक्टेड विद एसी सोर्स। एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने जिनको जोड़ा गया है विद एसी सोर्स भी, द सिंबल ऑफ एसी सोर्स, ये कैपेसिटेंस सी है इसका। हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बारे में कंप्लीट। यस सर नो, अब प्रॉब्लम क्या है जो हमने पढ़ लिया, वहाँ पे पढ़ाया गया कि कैपेसिटर का एक काम है भाई चार्जिंग करना डिस्चार्जिंग करना, यस सर नो, ये हमको पढ़ाया गया था। कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, यस सर नो। पहला डिवाइस देखा गया था जहाँ जो वोल्टेज को स्टोर कर पा रहा था, अभी कर पाओगे? इसके अलावा भी रोल है, चेक करना पड़ेगा इसमें, कर लोगे? तो शुरुआत तो वही है भाई, किससे शुरुआत करना है? ईएमएफ से। खत्म कहाँ पे करना है? करंट पे। देखिए अभी क्लास शुरुआत वही से करनी है, ईएमएफ से भी। लिख लीजिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट ए साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर की टर्म में हम कैसे लिखे हैं इसको भी, अगर आपको याद हो कैपेसिटर को पहली बार जब कैपेसिटर लिखाया गया था कैसे लिखा गया था भाई, सी लिखा था मैंने कि अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा भाई, उसके लिए कॉन्स्टेंट डाला गया था सी, यस आर नो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू था क्यू बाई सी, याद है कि नहीं है? वी का वैल्यू था क्यू बाई सी। इससे करंट निकालना अभी आपको इस फार्मूले से, इसको मैं ई लिख दो, इसको ई लिख दो, एक ही बात है, यस आर नो। इसको मैं ई लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू क्यू बाई सी, यस आर नो। तो मेरा क्यू कितना हुआ, ई सी, मेरा क्यू तो थोड़ी चाहिए, मेरा तो करंट चाहिए भाई, तो क्यू से करंट तो आ सकता है, द चेंज इन चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट भाई, यस सर नो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, आंसर हो जाएगा मेरा पूरा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, क्यू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इन टू सी, ओके। क्या करें, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, यस सर नो। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, लिखो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कर दो डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या से लिखूं, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी तो करंट होता है, आई तो आ गया मेरा, इज इक्वल टू क्या लिखें, डी बाई डी टी ई नोट सी भी ले लेते हैं साथ में, साइन ओमेगा टी, बस साइन ओमेगा टी। कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, आई इज इक्वल टू ई नोट सी, कॉन्स्टेंट क्या बचा भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस का तो नहीं आएगा ना, कॉस ओमेगा टी आगे इन टू ओमेगा, डिवाइड में नहीं आएगा, डेरिवेटिव रूल याद है, तो कितना आएगा इसका, आएगा कॉस ओमेगा टी इन टू ओमेगा भाई, क्या मैंने सही लिखा है, कर पाओगे? तो मेरा आंसर कितना भी, आई इज इक्वल टू ई नोट, ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, सही लिखा है। फिर आगे प्रॉब्लम भाई, मेरा आंसर तो कोस में आ गया, फिर मेरे को साइन बदलना पड़ेगा इसको, यस सर नो, तो बदल लो फिर, कोस को फिर अगले से साइन बदलना पड़ेगा, 90 बदलेगा या 270 बदलेगा भाई, यस सर नो, 270 ले जाओगे तो माइनस का आएगा प्लस का आएगा, उस तरफ जाएंगे तो प्लस का, उस तरफ जाएंगे तो माइनस का, वहाँ भी दो पॉइंट बन सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ देखो एक बार मैं, आई इज इक्वल टू ई नोट ओमेगा सी साइन
पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। मैंने क्या प्लस क्यों यूज किया भाई? सेकेंड क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव होता है भाई, साइन पॉजिटिव किया है। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है भाई। सही लिखा है कि गलत लिखा है? और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो भी कॉस थीटा होता है। तो मैंने आपके माइनस क्यों यूज किया अभी? क्योंकि बार माइनस नहीं है भाई। 90 माइनस ओमेगा टी करता था, हमेशा ओमेगा टी कैस में रहता, माइनस में रहता भाई। यस और नो? पहले मैंने यूज किया क्योंकि बार माइनस था मेरा, मैं दिखा था बार माइनस, उसको अंदर लेके जाऊंगा तो मेरा ओमेगा प्लस का हो जाएगा भाई। यस और नो? देखो बुद्धि सी बात ये है भाई क्लास, पहले केस में भी हम कर सकते थे 90 प्लस ओमेगा टी में, माइनस क्यों किया? क्योंकि मेरा बार माइनस था भाई वहाँ पे, इसलिए मेरा पापा के अंदर माइनस ले जाऊंगा तो मेरा ओमेगा टी माइनस का हो जाएगा, पर दिक्कत हो जाएगी उसमें। कर लोगे तो मैंने पहले से ओमेगा टी को किस में ले लिया? माइनस में ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। या तो बार माइनस नहीं है ना, अगर मैं लिख देता हूँ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी तो माइनस का रह गया ओमेगा टी तो। यस और नो? जबकि मेरे को किस में चाहिए हो? प्लस में चाहिए। यस और नो? तो ऐसा रखना पड़ेगा मेरे को इसको, ये ट्रिक बोलते हैं उसको, याद रखनी पड़ती है पॉइंट्स आपको कि क्या कर रहे हैं हम लोग। याद रखिए टाइम और फ्रीक्वेंसी कभी माइनस की नहीं होती, ये पॉइंट पक्का है। तो देखिए आई इज इक्वल टू ओमेगा, मेरे को इनवर्ट तो चाहिए पक्की बात है, डिवाइड बाई वन ओमेगा सी। चेक करो इसको, नीचे ले जाऊँ इसके नीचे, ऐसे आएगा भाई, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करके देखो ये आंसर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनटू क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओमेगा टी प्लस ए पाई बाई टू। अरे ये चीज क्या मान सकता हूँ? आई नोट मान सकता हूँ। यस सर नो? तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेयर आई नोट इज, किसको माना है? ई नोट बाई वन बाई ओमेगा सी को भी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आई बात है? देखो हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे भाई, हम लेके आ रहे हैं जबरदस्ती आंसर इन टर्म ऑफ साइन इन टर्म ऑफ पॉजिटिव्स भी। कर लोगे? अब उससे मेरे को एक आंसर मिल रहा है उन पॉइंटों से। अब मेरा ई ए था, मेरा करंट ये हो गया भाई, क्या बताओगे भाई उस लैंग्वेज में इसको? कौन किसको लीड कर रहा है भाई? करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को, कितना? पाई बाई टू। ये बात सही है? ये उल्टा बोल लेते हैं, ईएमएफ इज लैग बिहाइंड टू करंट बाई पाई बाई टू। यस और नो? तो डायग्राम बनाए, वेव डायग्राम एक बार लिख लीजिए इसको, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट इसमें लैंग्वेज में लिखो, इस लाइन को भी लिखिए, करंट लीड द ईएमएफ, करंट लीड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, करंट लीड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। हो गया? और देखिए दोनों पॉइंट पता होना चाहिए आपको, और डाल के लिखिए, करंट इज लैग, सॉरी ईएमएफ इज लैग बिहाइंड, ईएमएफ इज लैग बिहाइंड टू करंट बाई पाई बाई टू, बाई पाई बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया वे? ओके तो वेव डायग्राम बनाओ, बना सकते हो, लिख लीजिए वेव डायग्राम भी। पहले तो किसको दिखाते हैं हम लोग हमेशा? ये को दिखाते हैं, इट इजी, जरूरत थोड़ी है, मैं से दिखाते हैं ये को। तो करंट कहाँ पे होगा? इसके ऊपर होगा। ये सर ना, ये लीड करने के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कितना लीड कर रहा है भाई भाई? तो शुरुआत यहीं से होगी इसकी, वेव तो भी बनेगी। यस सर नो? ये कितना आई नॉट, ये कितना आई नॉट? मैं फिर बता रहा हूँ, फेज डिफरेंस से करंट पे फर्क नहीं पड़ता भाई, उल्टी बनेगी भाई। यहाँ शुरुआत कैसे करोगे? ऐसे करोगे? नहीं करोगे ऐसे। जब आपका देखो एक्चुअल में, एक्चुअली तो बनाया हम लोगों ने साइन, तो इसमें कोस है, इसमें करंट में कोस है भाई,
जब साइन मैक्सिमम है तो कॉस मिनिमम उस टाइम भी, और जब कॉस मिनिमम है तो साइन क्या है? मैक्सिमम। डायग्राम भी बनाओ, लिख लीजिए फेजर डायग्राम भी। पहले ई को दिखाओ भाई, ये ई है भाई, ये ई, इट इज द पीक वैल्यू भी, इट इज ई नॉट भी। कितना एंगल के साथ बनती थी ये ओमेगा टी, नॉट पाई बाय टू, इट इज ए ओमेगा टी। अब करंट इसको लीड कर रहा है पाई बाय टू, लीड तो इस तरफ कर सकता है फिर, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? पाई बाय टू, यस और नो? तो यहाँ से क्या आएगा? करंट आएगा भाई, इट इज आई। ये क्या होगा इसका? पीक मैक्सिमम आई नॉट। समझ में आई बात है? डायग्राम क्या बनने वाला? इसका कौन बनेगा एक, इसका कौन बनेगा एक, कौन के अंदर कौन आएगा? ये दिखाए ना, अब आपके पास डिवाइस नहीं है, हमारे यहाँ पे स्मार्ट ग्लासेस दिखते हैं, घूमता हुआ दिखता है पूरा सिस्टम, ऐसे इमेजिन करो। देखिए लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी, अब इसको करते हैं कंपेयर भी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी, तो करंट क्या होता है? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, यही है ना, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ये करंट है, वो भी करंट है, ये पोटेंशियल, वो भी पोटेंशियल, रेजिस्टेंस होना चाहिए कंप्लीट। तो इसको मैंने मान लिया 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी भी। क्या? एक्स सी, एक्स सी का नाम दिया गया अभी इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी। क्या नाम दिया गया? इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। समझ में आई बात है? क्या एक्चुअल में क्या एक्स सी? ये रेजिस्टेंस अभी, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर अभी तक काउंट नहीं किया गया था। अभी कई बुक वाले, कई अच्छे टीचर ये बोलते हैं कि सी ही रेजिस्टेंस होता, बिल्कुल नहीं होता भी सी रेजिस्टेंस भी, सी इज नॉट रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, एक्स सी होता भी। समझ में आई बात है? देखो आपको ध्यान होना, आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक साथ जोड़ा जाता है, तो कहीं भी एक्स सी काउंट नहीं करते हम लोग, वहाँ पे कहीं भी सी नहीं दिखाते हम लोग, रेजिस्टेंस अलग होता है। कर लोगे? रब कर दें। तो एक्स सी इज इक्वल टू ले सकता हूँ 1/2πμc, 2πμc। अगर हम डीसी की बात करते हैं 4dc, म्यू क्या होता है? जीरो होता है। अगर म्यू जीरो हो गया, 1/0 इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी हो जाएगा। रेजिस्टेंस, सॉरी डीसी के लिए कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी, तो डीसी को उस टाइम ब्लॉक कर देगा ये, यस और नो? देख लीजिए, इट ब्लॉक डीसी भी, किसको ब्लॉक कर रहा है? डीसी को भी, यस और नो? इट ब्लॉक ए डीसी। अगर हम बात करते हैं एसी की भी, 4ac, एसी में म्यू की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, 50 हर्ट्ज ले लीजिए, इट इज मैक्सिमम वैल्यू भी। कर लोगे? अगर ये मैक्सिमम होगा 1/मैक्सिमम, आंसर मिनिमम आएगा भाई, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी? मिनिमम भी। तो एस सी के लिए इट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस, यस आर नो? तो देखिए, इट अलाउ टू पास एस सी भी, इट अलाउ टू पास एस सी। समझ में आया कि नहीं?